इस विषय में कहने जाएं तो बहुत समय लग जाए। एक बधाई आपको मिली और दूसरी बधाई हमारे श्री यदुनाथ जी महाराज, महाप्रभु जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रमण प्रभु, श्री ताज जी महाराज, पुरुषोत्तम लाल जी महाराज, श्री हमारे पितृचरण श्री गोविंद लाल जी महाराज, श्री हमारे माथे विराज श्री गोपाल प्रभु, श्री नवनीत प्रिय प्रभु, श्री गोपाल प्रभु, इन सब के आशीर्वाद और प्रेरणा से एक भाव हृदय में जागा कि यात्राएं तो सभी करते हैं, तो यात्रा तो सदा करता ही रहना चाहिए। महाप्रभु जी कृपा से एक बार प्रथम यात्रा 2008 में हुई, उसके बाद 2012 में हुई और उसके बाद 2018 में हुई। अब ऐसा मनोरथ जागा है कि 2026 में ये ब्रज यात्रा फिर से होगी और 84 कोस की ब्रज यात्रा होगी और इसमें पाल में रहने का, रास लीला के दर्शन करने का, मनोरथ के दर्शन करने का और रोज आचार्यों के वचनामृत सुनने का ये परम अवसर आप सभी को मिलने वाला है। आप सब तैयार रहें और अपने सजातीय बंधुओं को भी तैयार करें कि इस यात्रा में अधिक से अधिक वैष्णव आवे, उनकी सेवा करने का हमको भी अवसर प्राप्त हो। और विशेष ज़्यादा ना कहते हुए आप सबकी भावना, प्रेम, आज मैं देख रहा हूँ कि आप सबके अंदर जो प्रेम की धारा जो आपकी बढ़ रही है, भक्ति की धारा जो बह रही है यमुना जी की कृपा से, ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही उत्साह आपका सदा बढ़ता रहे और आगामी 2026 की ब्रज यात्रा में अधिक से अधिक सजातीय बंधुओं के साथ आप इस यात्रा में शामिल हों, यात्रा का लाभ लें, क्योंकि ब्रज यात्रा अवश्य अलौकिक है। हरिना जन तो मुक्ति नवन मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे, नित्य सेवा नित्य उत्सव कीर्तन निरखा निरखवा नंद कुमार रे, धन्य सी गोकुल धन्य सी वृंदावन धन्य सी व्रजना वासी रे, अष्ट सिद्धि महानिधि मुक्ति थई यानी दासी रे। मुक्ति तो दासी है, यहाँ मुक्ति का अधिकारी नहीं है, यहाँ तो सब भक्ति के अधिकारी हैं। और भक्ति भी कौन सी, प्रेम लक्षणा भक्ति जो श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने हमको बताई। बस विशेष ना कहते हुए आगामी यात्रा के लिए आप सब तैयार रहेंगे, अपने सजातीय बंधु वैष्णवों को भी बधाई देंगे और अधिक से अधिक वैष्णव 2026 की या आदिदेवी अलौकिक ब्रज यात्रा में आने के लिए शामिल होंगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को